दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 27 के 27 नक्षत्रों पर वीडियो का सेकंड पार्ट एक एक करके मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, तो जो भी आपका जन्म का नक्षत्र हो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो अवश्य देखें। और अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ लग्न वालों का अप्रैल 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की एनर्जी लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर आप लोगों की जन्मपत्री में लग्न में या प्रथम भाव में यहां पर अगर आपका 11 का अंक लिखा हुआ है तो ये वीडियो किसके लिए है, ये लग्न किसकी कहलाएगी, ये कुंभ लग्न कहलाती है। और अगर आपने मेरा वो वीडियो की जानिए कुंभ लग्न वाले लोग कैसे होते अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं। तो देखिए, इस समय चर्चा हो रही है गोचर की, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले शनिदेव की। तो शनिदेव पूरे महीने अपनी कुंभ राशि में ही और आपकी लग्न में ही यहां विराजमान रहेंगे। बात करते हैं अगर मंगल की, तो मंगल इस समय कुंभ राशि में शनि के साथ चल रहे हैं, गोचर में है, और ये 24 अप्रैल को आपके मीन राशि में आ जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे आपकी सूर्य की। सूर्य इस समय मीन राशि में चल रहे हैं, 13 अप्रैल तक चलेंगे और 14 अप्रैल को सूर्य मीन राशि से गोचर करके मेष राशि में आ जाएंगे। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र इस समय मीन राशि में अपनी हाईएस्ट डिग्री वाली राशि में चल रहे हैं और शुक्र यहां से गोचर करके 25 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे। बात कर लेते हैं हम लोग बुध की। तो बुध इस समय वक्री पोजीशन में चल रहे हैं, इस समय गुरु और बुध का एक दोनों कॉम्बिनेशन बने हुए हैं और बुध इस समय मेष राशि में चल रहे हैं। इसके बाद 11 अप्रैल को बुध कहां चले जाएंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। तो ये इस समय की स्थिति है। अगर हम बात करते हैं राहु की, तो राहु आपके सेकंड हाउस में है और मीन राशि में। बात कर लेते हैं केतु की, तो केतु आपके 8th हाउस में है और कन्या राशि में इस समय गोचर कर रहे। अगर हम डेट वाइज प्रेडिक्शन की बातचीत करते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 12 से लेके 15 और 24 से लेके 30, ये जो टाइम है आपका एकदम गुड टाइम है, एक बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है। ये 4 और 5 खर्चे वाला समय है, 6 से लेके 9 तक जो मेन डिसीजन है उनको आप कोशिश कीजिए कि टाल दिए जाए, क्योंकि उस समय थोड़ा माइंड में आपकी टेंशन प्रतीत होगी। 10 और 11 ये नो आर्ग्यूमेंट्स विद ब्रदर, अपनी भाई बहनों से आपको इस समय आर्ग्यूमेंट से बचना है। और 16 से 18 एनिमी टाइम है, 19 से लेके 20 तक हमें अपने स्पाउस के साथ थोड़ा मतभेद हो सकते हैं तो उसको भी देखकर चलना है। 21 से लेके 23 तक हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए बात क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं अपने गोचर के हिसाब से कौन सा ग्रह किस प्रकार की एनर्जी दे रहा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करते हैं, लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। और इस समय शनि कहां पर है, हमारी लग्न में ही है, मतलब लग्नेश का संबंध लग्न से ही बना हुआ है। तो सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि जितना भी फोकस, जो भी वर्क आप करोगे किसके लिए करोगे, अपने लिए करोगे, सेल्फ। बैठा किसके साथ है शनि इस समय, देखिए मंगल पहले, सबसे पहले देखिए शम जो हमारे लग्नेश है वो मंगल के साथ बैठे। अब मंगल कहां कहां के मालिक है, तो सबसे पहले मंगल देखते हैं 3rd हाउस के मालिक हैं और हमारे 10th हाउस के मालिक हैं। तो ये 10वें भाव का स्वामी और शनि मतलब लग्नेश का आपस में संबंध है। इसका मतलब सीधा सीधा ये जाता है से 2 भाव मिलते हैं शनि को आपकी कुंडली में, मतलब एक तो लग्नेश है और एक हमारे धनेश है, मतलब धन के स्वामी के भी मालिक शनि के पास ही वो डिपार्टमेंट है। तो आप ये समझिए कि सारा का सारा जो सिस्टम जब मंगल के साथ आते हैं, और मंगल स्वामी किसके हैं 3rd हाउस के और हमारे 10th हाउस के, ये संबंध एकदम क्या कहता है, ये कॉमर्शियल इक्वेशन बनी हुई है इस समय शनि का मंगल के साथ आना। देखिए शनि और मंगल में वैसे आपस में कोई खास अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन अगर आप इसको व्यापारिक दृष्टिकोण से देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में दुर्लभ कॉम्बिनेशन बनेगा आपके लिए। कारण क्या है कि जो 10th हाउस का मालिक है लग्नेश के साथ बैठा है, तो इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में किसने भी बड़े प्रकार के इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो इस समय कीजिए। मतलब ये वीडियो आपको कब मिलेगी, मार्च के महीने में मिलेगी। वो कौन से महीने की बन रही है वीडियो, अप्रैल की बन रही है।
बहुत सारे लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हमें अपने बिजनेस पे कुछ पैसा डालना है, उसमें लंबा इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त माना जा रहा है। कब तक माना जाएगा? 24 अप्रैल तक आपका ये समय बहुत शानदार है, मतलब इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, प्रॉफिट कमाने की दृष्टि से। और जब किसी बिजनेस को आप एक अच्छे समय में स्टार्ट कर देते हो तो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म हमें प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। तो ये वो समय है कि अगर हमें कोई नई शुरुआत करनी है या अपने ही बिजनेस में कुछ उसको बढ़ाना है तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छा बना रहेगा। जिन लोगों को ऑनलाइन कोई भी काम करना है, जैसे बहुत सारी चीजें आप सोचते हो कि मैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाऊं, मैं किसी मंच पर अपना भाषण दूं, अपनी बात रखूं, कोई किताब लिखनी है आपको, तो ये सारा समय भी आपके लिए बहुत उपयुक्त माना जा रहा है। तो अगर मैं देखता हूं कि पैसे की दृष्टिकोण से ये महीना कुंभ लग्न वालों के लिए एक अच्छा समय साबित होगा। बात कर लेते हैं आपके सेकेंड हाउस की। सेकेंड हाउस किस किस चीज का होता है? सेकेंड हाउस है हमारा संचित धन और हमारे संस्कार, हमारा कुटुंब, ये सब सेकंड हाउस से देखते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं, लेकिन मेन इसकी चर्चा मैं आपसे करता हूं। सबसे पहले देखिए कि यहां पर राहु तो पूरे साल यहां बैठे रहेंगे और चर्चा किसकी हो रही है? अप्रैल मंथ की हो रही है। तो राहु और शुक्र अगर हम देखते हैं और तीसरा ग्रह कौन है? सूर्य। तो अब इन सबका मीनिंग क्या क्या निकल रहा है उसको समझते हैं। देखिए, जब भी आप ये देखोगे कि राहु और शुक्र की जो ये युति है हमारी कहां पर बन रही है? सेकंड हाउस में बन रही है। ये एक बहुत ही अच्छी युति है, अभी इसका प्रयोग करना आपको बताऊंगा। लेकिन साथ में यहां बैठे हैं सूर्य। सूर्य जब भी आप देखोगे कि राहु के साथ उसका कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम जैसे ये बोलते हैं ना कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, उसका मतलब भी आप समझ लीजिए। देखिए, राहु को अगर पैसा, क्योंकि किस जगह पर बैठा है? पैसे वाले हाउस में बैठा हुआ है। अगर राहु को पैसा लेना है, मतलब अगर वो किसी ना किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कराकर, या उसके तो इंस्टेंट आइडियाज होते, तुरंत कोई विचार आएगा, आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, काम कीजिए। राहु जब अपना कोई विचार देता है तो उसके अंदर ये नहीं देखता कि भाई ये किस तरीके से होगा, उसके लिए कोई सीमा नहीं होती। लेकिन जहां सूर्य की आप बात करते हो, ये सिस्टमेटिक ढंग से काम करने की पूरा सिस्टम है, क्योंकि वो राजा है सूर्य। जिस तरीके से सुबह निकलता है, शाम को अस्त होता है, ये सारी चीजें मतलब वो रेगुलर है। लेकिन राहु क्या है? उसको तो जो काम करना है वो उसे हर समय वो चीज, जो चीज चाहिए सो चाहिए। इस समय धन के भाव में है तो कुंभ लग्न वालों से क्या बोल रहा है जी, धन कहीं से भी लाना है लाना है, किसी भी तरीके से लाना है। तो ये सारी चीज इन दोनों के आपस के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, ये होता है ग्रहण का काम। अब देखिए शुक्र की स्थिति यहां पर क्या है। देखिए, सेकंड हाउस में राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। राहु और शुक्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि इस समय जो भी चीज आप सोचते हो, जिस चीज का भी आप बिजनेस करना चाहते हो, उससे आपका पैसा बनना ही बनना है। तो ये एक चीज, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य यहां 13 तारीख तक है। ये जो विरोधाभासी आपके पास, जो बार बार आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ये काम ठीक है करना नहीं है, या ये चीज इस तरीके से की जाए या उस तरीके से की जाए, ये सारा कंफ्यूजन 13 तारीख तक रहेगा। जैसे ही सूर्य थर्ड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति के साथ जाएंगे तो वो युति भी बहुत शानदार युति बनेगी। और उसके बाद, उससे पहले क्या होगा कि बुध यहां आ जाएंगे। तो आप इस बात को समझ के चलिए कि जितने भी आइडियाज आपके पास इस समय आ रहे हैं, तो आप 14 अप्रैल के बाद अगर उस काम को करने लगते हो तो उसमें आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा बनता है। प्रॉफिट मतलब जो भी हम पैसा संचित करते हैं, हमारे पास खूब अच्छा पैसा आएगा। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे आपसे थर्ड हाउस की। तीसरा हाउस पराक्रम का हाउस है, तीसरा हाउस छोटे बहन भाइयों का हाउस है, आस पड़ोस का हाउस है। बैठे कौन है? गुरुदेव बृहस्पति, साथ में कौन है? बुध, जो इस समय क्या चल रहे हैं? वक्री चल रहे। कंडीशन समझिए कि जो गुरुदेव बृहस्पति है, एक तो हमारे सेकंड भाव के मालिक हो गए, थर्ड हाउस में बैठे हैं, ठीक है, और दूसरा ये लाभेश है, मतलब 11वें भाव के स्वामी है। तो इसका आपको सीधा सीधा मतलब है कि गुरुदेव बृहस्पति आपको प्रॉफिट कराने वाले एक अच्छा ग्रह साबित होगा, थर्ड हाउस का ग्रह। बैठे किसके साथ है इस कॉम्बिनेशन को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये बुध के साथ बैठे हैं। बुध मालिक हैं 5th हाउस के, बुध मालिक हैं 8th हाउस के। इस समय क्या चल रहे हैं? वक्री चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों के विचार आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते। वो ज्ञान की बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति और
जो बुद्ध का ज्ञान है वो तो अथाह ज्ञान है, मतलब आप इसको समझिए। दोनों के विचारों में थोड़ा सा मतभेद रहेगा, इसमें आपको एक चीज और समझनी है कि थर्ड हाउस मतलब हमें इस समय अपने बच्चों के साथ जो हमारे कुंभ लग्न वाले जातक हैं, वाद विवाद से बचना है। ऐसा कोई भी बात आप मत कहिए कि आपने तो उनके साथ कोई बात कह दी और वो पता चला आपकी बात का वेट करें कि पापा ने तो कह दिया मुझे बाइक दिलवानी है और वो पता चला कि उनको दिलवानी नहीं थी, मजाक कर रहे थे। तो इस तरीके की कोई भी बात, क्योंकि बुध कलाकार ग्रह है और थोड़ा मजाकिया मूड में भी वो रहता है, ठीक है मान ली बात, लेकिन आप जो भी काम करो फिफ्थ हाउस से संबंधित, कहीं पर भी आपकी बात का ऐसा अर्थ नहीं निकाला जाए कि दूसरा आपका वेट करता रहे। तो इससे क्या होगा, आपस में मतभेद हो जाएगा हमारे हमारे चिल्ड्रंस के साथ, बच्चों के साथ। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये भी कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है वो तो कब तक बना हुआ है, 10 अप्रैल तक बना हुआ है। उसके बाद बुध हमारे सेकंड हाउस में चले जाएंगे, राहु शुक्र और बुध की युति होगी जो आपको बुद्धि से विवेक से बहुत अच्छा पैसा बना कर देगी। अब देखिए 14 तारीख को बुध तो यहां से 11 को चले जाएंगे, इसके बाद 14 को कौन आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे। अब सूर्य और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वो थर्ड हाउस में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब थर्ड हाउस में सूर्य और गुरु की युति होगी तो बहुत कम प्रयास से भी, आप इस चीज को देख लेना कि बहुत कम प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता अच्छी प्राप्त होगी। देखिए ये मेहनत का हाउस है, ये थर्ड हाउस किस चीज का है, पराक्रम का हाउस है। लेकिन पराक्रम में कौन कौन ग्रह आ गए, गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य आ गए। तो यहां आप इस बात को देखोगे कि 14 अप्रैल के बाद बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन परिणाम आपके फेवर में बहुत ज्यादा वाली मात्रा में आने वाले हैं। तो इस चीज के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बात कर लेते हैं आपके फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस है हमारा भौतिक सुख साधनों का, हमारी माता का हाउस है और हमारी मन की शांति का भी हाउस है, या कह दीजिए कि मन का हाउस है। तो इसके जो स्वामी है, इसका जो मालिक है ग्रह, वो कहां है, शुक्र। कहां बैठा है, पैसे वाले घर में बैठा है। मतलब उनका पूरा का पूरा फोकस किस साइड रहेगा, सेकंड हाउस में रहेगा। तो आपका भौतिक सुख साधन किसके हाथ में है, शुक्र। और शुक्र इस समय कहां बैठे, अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठे, मतलब पैसे वाले भाव में बैठे। तो ये एक अच्छा साइन है। और दूसरा इनकी जो राशि है, दूसरी राशि कौन सी है, ये दूसरी राशि आपका जो है 7 नंबर लिखा है, तुला राशि। तो ये आपके भाग्य के मालिक होकर भी कहां बैठे हैं, पैसे वाले भाव में बैठे। तो आप इस बात को समझिए कि आप प्रयास कीजिए, और 14 के बाद आपको बहुत ज्यादा मेहनत वाले प्रयास भी नहीं करने, लेकिन आपका सेकंड हाउस मतलब पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज है, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी जहां से भी आप जॉब करते हैं, प्रयास सो में वही करना है ना सारा। तो अब देखिए हम लोग बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस का मालिक कौन है, बुध। ये बुध इस समय हमारे थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, वक्री पोजीशन में बैठा हुआ है, और मालिक हमारे एट्थ हाउस का भी है। तो यहां पर जो भी हमारी इच्छाएं, देखिए आपकी, आपको ये लगने लगेगा कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, लेकिन आप ये समझिए कि हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है किसी भी काम को करने की। तो यहां पर जरूरत से ज्यादा इच्छाएं आपकी अभी देखने को मिलेंगी और हर कीमत पर आप उसको पूरा करने की भी कोशिश करोगे। लेकिन इतना आप समझ लीजिएगा कि इस समय बुध जो आपके फिफ्थ हाउस का मालिक है, आपके बहुत ज्यादा फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। तो 11 अप्रैल के बाद अगर आप ये प्रयास करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। अगर हम आपके सिक्स हाउस की बात करते हैं, मालिक कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा के हिसाब से सब ये डेट वाइज प्रेडिक्शन रहते हैं, दो एक दिन को छोड़ के बाकी आपका मूड बढ़िया रहेगा इस पूरे महीने में। अगर हम लोग बात करते हैं आपके सेवेंथ हाउस की, सेवेंथ हाउस का मालिक कौन है इस समय, आपके सेवेंथ हाउस का मालिक है सूर्य। बैठे कहां है इस समय, हमारे सेकंड हाउस में बैठे। देखिए सेवेंथ हाउस को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। शनि जो लग्नेश है, मंगल जो हमारे दसवें भाव के भी मालिक है, और थर्ड हाउस के भी मालिक है, देख कहां रहे हैं इस समय, सेवेंथ हाउस को पूरी फुल दृष्टि के साथ देख रहे हैं। मतलब क्या होगा, देखिए आपका मतलब सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं आप अगर कोई बात मुंह से निकालते हैं तो जो आपका स्पाउस है वो मंगल की ऊर्जा से ही आपको जवाब देगा। आप इस चीज को समझ के चलिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है
कि पूरी ताकत लगा देगा आपकी बात को डिनाई करने के लिए। इसलिए जो भी आप उनके सामने प्रपोजल रखें, अच्छे बढ़िया शब्दों के अंदर रखें, बिल्कुल मजाक वाले मूड में आप ना रखें, क्योंकि यहां पर बुध जो ये काम करने के लिए बैठा है ना आपस में, तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो जो आपको बात करनी है, जो भी उनसे बात करनी है, सीधे सीधे शब्दों में बात कर लीजिए कि देखिए मैं ये चीज चाहता हूं। अच्छा ठीक है, वो मानते हैं नहीं मानते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी भी तरीके से आपका जो मूड होगा, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा, कहीं पर भी उसके अंदर हास्य वाली बात ना हो, मतलब सामने वाले की हंसी उड़ाने वाली बात नहीं आनी चाहिए, ये भाव आपको रखना है। नहीं तो क्या होगा कि वो पहले ही आपके पास कैसे बैठा है, मंगल की एनर्जी में बैठा हुआ है, तो वो झगड़े वाली बातचीत में बदल सकती है बात। अब मैंने एट्थ हाउस की आपकी चर्चा की, बुध के माध्यम से ये बात पूरी बताई। अगर हम लोग बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस की, नाइन्थ हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, सेकेंड हाउस में, आपको कोई टेंशन वाली बातचीत नहीं है। और इन्हें जो है गुरुदेव बृहस्पति देख रहे हैं, 10 अप्रैल के बाद जब बुध यहां से चले जाएंगे, 14 को सूर्य यहां आ जाएंगे, तो भाग्य से आपको पैसा भी मिलना बहुत तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं टेंथ हाउस की, मंगल मालिक है, लग्नेश के साथ बैठे हैं। जो भी वर्क आप करते हो, जिस प्रकार का भी बिजनेस आप करते हो, जो भी आप जॉब करते हो, आप केवल और केवल वही फोकस कीजिए। आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर करना है बिजनेस के लिए, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको अपनी जॉब में कोई ना कोई प्रमोशन देखने को मिल सकता है, या फिर एक अच्छी जॉब का ऑफर भी आपको हो सकता है कि इस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में आप चले जाएं, जिसमें आपको एक अच्छे पैकेज की भी संभावना रहेगी। अब लोग हम लोग बात करेंगे आपसे नाइन्थ, आपके इलेवेंथ हाउस की, जहां नौका अंक लिखा है, मालिक कौन है, गुरुदेव बृहस्पति। तो ये आपको लाभ देंगे, ऑनलाइन बिजनेस, आस पड़ोस, जो भी आप वर्क करते हो उससे आपका लाभ होगा। बात करते हैं हम आपके टेंथ हाउस की, और देखिए टेंथ हाउस, सॉरी, शनि हमारा मालिक है ट्वेल्थ हाउस का, और बैठे कहां पर है, ये लग्न में बैठे। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि शनि के पास दो डिपार्टमेंट है, एक तो मकर राशि और एक हमारी कुंभ राशि। तो इस समय जो खर्चे वाले भाव का स्वामी है ना, वो भी किस में बैठा है, लग्न में बैठा है। ओवरऑल जो भी आप खर्च करना चाहते हो, आपका खर्चा कहां बना रहेगा, आपके अपने ऊपर। जो भी आप चाहते हो इस समय कि मुझे ये चीज खरीदनी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से प्लान कर लीजिए। अप्रैल का मंथ आपके लिए एक अच्छी ऊर्जा लेकर आ रहा है, वो भी आप पूरी तरह से ख्याल रखिए। अगर हम गुरु की बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिन कुंभ लग्न वालों की अभी शादी नहीं हुई है, मतलब वो ये सोच रहे हैं कि इस महीने हमारी शादी होगी नहीं होगी, क्या सीन है, तो गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है वो आपके सेवेंथ हाउस पर पड़ रही है। तो आप ये देखिए कि आपको एक अच्छा प्रयास करना है, 14 तारीख के बाद आपका ये रिलेशन, जो शादी करने वाले हैं उन लोगों को एक अच्छी सूचना मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज हम लोग, तो ये छोटा सा प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, और आपने ये इतना कीमती अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।